सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर अख्तर सर? जी मैं रिजान बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर मंसूर बोलता हूँ। क्या सर बोलता सर? जी सही बात है जी मैं रिजान। फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? सर, एक गाय से उसका खाना खराब हो गया है। हाँ मुंह सही बनी थी, खान सख्त हो गया था, दूध भी कम है। अब मैंने दवाई की थी, खान तो नरम हो गया है लेकिन दूध कम आ रहा है। दूध कम आ रहा है लेकिन मुंह सड़ी ठीक हो गई है। ठीक वेरी गुड। अब दूध सिर्फ दूध ज्यादा करना है? मेरी जान इस तरह करें, 2 लीटर दूध लें। ये भैंस है गाय है? भैंस है, भैंस। और लिखें दूध, 2 लीटर दूध ले लें और 100 ग्राम ले लें सफेद जीरा। जीरा जी 200 ग्राम, 100 ग्राम। 100 ग्राम सफेद जीरा। हाँ, और 2 लीटर दूध रात को खुले बर्तन में इनको भिगो दें। सुबह देखेंगे तो फूल गया होगा। इसको इसमें थोड़ा सा को 250 ग्राम डाल लें शक्कर। शक्कर डाल के और इसको रिड़क के इसको दे दें बिस्मिल्लाह करके। ये को 6-7 दिन देंगे तो इंशाल्लाह ताला दूध बढ़ा देगी और पसमा भी ठीक हो जाएगा। हेलो, ये आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मैं कह रहा हूं ये 100 ग्राम सफेद जीरा दूध में जब रात को रख देंगे ना, सुबह ये फूल गया होगा। और उसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम आपने शक्कर डाल के इसको रिड़क लेना है और रिड़क के ये इसको पिला दें। और ये हफ्ता एक पूरा ये करते रहना है, फिर मुझे बताना। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन दूध देगी। और 50 ग्राम इसमें अगर हो सके तो मीठा सोडा भी डाल लेना है। ठीक है, गाय का हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके मंसूर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान भी जुल्म से कत्ल की जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबील पर उसके खूने नाहक का एक हिस्सा होगा, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल नाहक का तरीका जारी किया। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़िमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।